नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.2 इसका हम थर्ड प्रश्न कर रहे हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसका पहले दो भाग हम पहले कर चुके हैं, थर्ड भाग आज हम करने जा रहे हैं। px बराबर x²-1, यहाँ पर x के दो मान है तो हम दोनों के लिए जांच करेंगे एक एक करके। ठीक है जी, अब px बराबर x²-1, इसमें से मैं अभी सिर्फ पहला भाग x बराबर 1 ले रहा हूं। ठीक है जी, तो x बराबर 1 लेने के लिए यदि x बराबर 1 px का शून्यक है तो p ऑफ 1 जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। ये जो फर्स्ट लाइन थी, क्वेश्चन था, इसमें हम x की जगह लिखेंगे 1, x है, x स्क्वायर है तो यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं, 1 का स्क्वायर है 1, -1 बराबर 0, 1 में से 1 गया 0 बराबर 0। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो सत्यापित हुआ कि x बराबर, हमने कौन सी वैल्यू ली थी अभी x की, 1, x बराबर 1 px का शून्य है। अभी हमारा एक भाग हुआ क्योंकि हमें x की दो वैल्यूज दी हुई थी, x बराबर 1 और x बराबर -1, तो अब हम x बराबर -1 भी लेंगे। फिर से px बराबर x²-1 ये क्वेश्चन है, तो यदि x बराबर -1 px का शून्यक है, देखो सभी में सेम वर्डिंग यूज हो रही है, शून्यक है तो p ऑफ -1, अब p ऑफ -1 क्योंकि x की वैल्यू है -1, ये जीरो के बराबर होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो px था इसमें x की जगह आप -1 भरेंगे क्योंकि p ऑफ -1 निकालना है, तो x है x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, आगे है -1 तो यानी -1, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा -, प्लस -1 बराबर 0, 1 में से 1 निकाला 0 बराबर 0, देखो यहां भी 0 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः सत्यापित हुआ कि x बराबर -1 px का शून्यक है। तो इसमें हमें देखिए x के दो भाग दिए गए थे, x बराबर 1 और -1, तो x बराबर 1 को भी हमने सत्यापित कर दिया और x बराबर -1 को भी हमने सत्यापित कर दिया। आइए इस का एक और भाग हम देखते हैं। हमारे पास px की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है x+1 × x-2। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसमें से एक वैल्यू लेंगे -1, तो मैं लिखता हूं यदि x बराबर -1 px का शून्यक है तो p ऑफ -1 जीरो के बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जो हम पहले करते आए हैं सभी भागों में, यहां पर इस रकम में x की जगह लिख देंगे -1, x की जगह लिख देंगे -1,
तो यह है x, इसकी जगह लिखा माइनस वन प्लस वन, आगे है x माइनस टू, x की जगह लिखना है माइनस वन माइनस टू, ये जीरो के बराबर होना चाहिए, इसके हिसाब से ये जीरो के बराबर होना चाहिए। देखो माइनस वन प्लस वन माइनस प्लस माइनस वन माइनस वन इज जीरो मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस प्लस टू और वन होता है थ्री, तो ये आ गया माइनस थ्री बराबर जीरो। जीरो को किसी नंबर से गुना करेंगे तो जीरो बराबर जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका मतलब सत्यापित हुआ कि x बराबर माइनस वन पी एक्स का शून्यक है, लेकिन इसका एक और भाग भी है। देखो x बराबर माइनस वन किया, एक x बराबर टू भी था, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, पी एक्स को दोबारा लिख लेते हैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। पी एक्स बराबर है x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू के, ठीक है। अब हम फिर से लिखेंगे, यदि x की वैल्यू है देखो टू, यदि x बराबर दो पी एक्स का शून्यक है, स्टेप्स वही है बच्चों, तो p ऑफ टू जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है, p ऑफ टू जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू में x की जगह लिखेंगे टू, x की जगह टू लिखा प्लस वन इंटू एक्स की जगह टू लिखा माइनस टू, ये जीरो के बराबर होना चाहिए इसके हिसाब से। तो टू प्लस वन होता है थ्री, गुना, दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई निशान नहीं है यानी गुना है, टू माइनस टू जीरो बराबर जीरो, तीन को जीरो से गुना किया जीरो बराबर जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड के, अतः सत्यापित हुआ कि हमने x की वैल्यू ली थी टू, x बराबर टू पी एक्स का शून्यक है। इस प्रकार से हमने ये x की दो वैल्यूज थी माइनस वन और टू, हमने यहां पर x माइनस वन लेकर और यहां पर x टू लेकर सिद्ध किया कि ये दोनों दिए गए पी एक्स के शून्यक हैं। थैंक यू बच्चों।